वेलकम टू CBSE कंप्यूटर एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th में अगर कोई स्टूडेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेता है जिसका सब्जेक्ट कोड है 802, तो उसके लिए जो CBSE ने जो ऑफिशियल बुक जो है लॉन्च किया है उसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, चलिए देखते हैं इस वीडियो को। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा, दैट इज cbseacademy.nic.in। इसमें आपको जैसे ही इंटर करते हैं इस वेबसाइट में तो आपको यहाँ पे स्किल एजुकेशन का एक अलग से टैब मिल जाएगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इसमें क्लिक करते हैं देन उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ बुक्स का ऑप्शन। बुक्स में जाने के बाद यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी लेवल क्लास 11 12th में आपको चले जाना है। अगर आपको क्लास नीचे जाते हैं तो आपको यहाँ पे 802 सब्जेक्ट कोड मिल जाएगा और यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 11th और 12th ये। तो आपको अगर क्लास 11th के लिए करना है तो यहाँ पे क्लास 11th में क्लिक करना है, देन ओके करना है, फिर इसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने इसके ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, चलिए उसको ओपन करके देखते हैं। तो जैसे कि ये PDF मैंने डाउनलोड कर लिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 802, और यहाँ पे जो है ये टोटल 257 पेजेस का है। अब यहाँ पे सारे यूनिट को जो है डिटेल यहाँ पे इसको अलग अलग सेक्शन में इसको डिवाइड करके नीचे डिस्क्राइब किया गया है। तो एक तो ये बुक हो गया जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक का रहेगा, इसके साथ साथ दो एक और बुक आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, दैट इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो यहाँ पे आपको ऊपर आते हैं तो यहाँ पे कॉमन फॉर ऑल स्किल कोर्सेस यानी सारे स्किल कोर्सेस में जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का बुक आपको पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे ऊपर में क्लास 11 के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये बुक आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जो है 35 MB के आसपास इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। दूसरा बुक आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल उसी से रिलेटेड जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल भी डाउनलोड करना रहेगा। तो ये मैं जो है सारा ये बुक का डिस्क्रिप्शन जो है नीचे मेरे वेबसाइट का लिंक दे दूंगा जहाँ से आप जाके डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।